भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है। पश्चिम कामेंग जिले के दिरंग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से ऊंचाई वाले गौजाती जानवरों की आबादी में गिरावट को रोकने में मदद की उम्मीद है। जो याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाते हैं। खाद्य पशु वो हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। NRC याक ने साल 2021 में याक को एक खाद्य पशु के रूप में मानने के लिए FSSAI को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। NRC याक के डायरेक्टर डॉक्टर मिहिर सरकार ने बताया कि FSSAI ने पशुपालन और डेयरी विभाग की सिफारिश के बाद हाल ही में एक आधिकारिक मंजूरी के साथ जवाब दिया है। बता दें, याक का दूध अत्यधिक पौष्टिक होता है, वसा से भरपूर होता है, इसमें आवश्यक खनिज होते हैं और इसका औषधीय महत्व भी होता है। याक किसान विभिन्न पारंपरिक मांस उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये उत्पाद स्थानीय समुदाय स्तर तक ही सीमित है, स्थानीय स्तर पर बनाए और बेचे जाते हैं। इसके साथ ही डायरेक्टर ने कहा कि याक का मांस बहुत दुबला होता है और ये गौमांस से बेहतर भी होता है। हिमालय क्षेत्र की ऊंची पहुंच में अन्य कृषि गतिविधियों के लोग मुख्य रूप से अपने पोषण और आजीविका के लिए याक पालते हैं। परंपरागत रूप से याक को ट्रांस ह्यूमन सिस्टम के तहत पाला जाता है, जो कि काफी कठिन होता है। डॉक्टर सरकार का मानना है कि FSSAI द्वारा याक को खाद्य उत्पादक पशु के रूप में मान्यता दिए जाने से किसानों को पशुपालन के लिए आर्थिक रूप से लाभ होगा और इससे किसानों के लिए आर्थिक लाभ के कई और रास्ते भी खुल जाएंगे। डॉक्टर सरकार ने कहा कि देश में याक की आबादी पिछले कुछ वर्षों में खतरनाक दर से घटी है। साल 2019 में की गई जनगणना के अनुसार भारत में 58,000 याक है, जो साल 2012 में की गई पिछली पशुधन गणना से लगभग 25% कम है। भारत में याक की आबादी में ये भारी गिरावट स्थानीय उपयोगकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों और पशु पालने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है। याक की आबादी में गिरावट को याक से कम परिश्रमिक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और इसलिए युवा पीढ़ी याक के पालन पोषण को जारी रखने के लिए अनिच्छुक है। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि याक का दूध और मांस पारंपरिक डेयरी और मांस उद्योग का हिस्सा नहीं है। उनकी बिक्री स्थानीय उपभोगकर्ताओं तक ही सीमित है। हालांकि इन दूध और मांस प्रोडक्शन के कमर्शियलाइजेशन से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पारंपरिक मांस उद्योग में प्रवेश करना होगा।